अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुरानी दिल्ली का मशहूर चिकन कोरमे की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे 1 kg की क्वांटिटी में। आपकी बेहद रिक्वेस्ट के बाद आज मैं 1 kg की क्वांटिटी में इस कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें ले लेना है यहाँ पर 1 kg चिकन, क्योंकि हम 1 kg की क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें रख लेना है एक बेसिल, इसमें ऐड कर लेंगे हम 200 ग्राम ऑयल। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें घी में भी बना सकते हैं। तो ऑयल को हमें अच्छा गरम कर लेना है। तो ये देखिए ऑयल यहाँ पर गरम हो चुका है। अब 200 ग्राम हमने प्याज बारीक स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, 200 ग्राम, तो इनको करना है हमें गोल्डन फ्राई। अगर आपको 5 kg कोरमे की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। इस तरह से नमक ऐड करने से आपके प्याज जल्दी फ्राई होंगे और क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो ये देखिए प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुके थे, जब इस कलर पर आ जाएं तभी आप निकाल लीजिएगा। अगर डार्क कलर होने पर हम निकालते हैं तो प्याज जो कोरमे का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है, क्योंकि हम इस कलर पर निकालेंगे तो ये बाद में अपनी कुकिंग में पकती रहती हैं प्याज और डार्क हो जाती हैं। तो प्याजों को हम साइड कर देंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप मखाने और इनको अभी हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं तब हमें इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको अल जवाहर रेस्टोरेंट का सीक्रेट कोरमे मसाला की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अब ऐड कर लेना हमें 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा यानी काला ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 6 लौंग और 1 फूल ले लें जावित्री का। तो ये ऐड कर देंगे, शाही ज़ीरा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब ऐड करना हमें इसमें 6 हरी इलायची, जिनको खोल लेना है इसका मुंह ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब इनको हमें थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है कुछ सेकंड के लिए। मसाले क्रैकल हो चुके हैं तो अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अगर आपको 5 kg कोरमे की रेसिपी चाहिए 5 kg की क्वांटिटी में तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1 मिनट भून लेना है चिकन को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और जो स्मेल है वो निकल जाए। अब इसमें ऐड करना है हमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसको डालकर भी हम 1 मिनट भूनेंगे, हाई फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम पर भी हमें इन सभी चीज़ों को भूनते जाना है। और अब ऐड करना है हमें पाउडर मसाले। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ऐड कर देना है हमें 1 टीस्पून नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम मसालों को मिक्स कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो ये देखिए मसाले थोड़े से अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें ऐड कर देना है हमें दही। तो 100 ग्राम हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे, फेंट कर लें दही को। अब दही डालकर हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को अब हमें स्लो कर देना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वाटर इसमें नहीं ऐड करना है और जो दही पानी रिलीज़ करेगा उसी में इसको कुक कर लेना है, मतलब तभी गल जाएगा ये। तो हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देना है, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। तो तब तक हम खुशबू वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, आधे से मतलब 1/4 आप जायफल ले लें, 6 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल और 5 लौंग। तो इन सभी चीज़ों को हमें बारीक पाउडर बना लेना है। अगर आपको पुरानी दिल्ली की बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए हमने ये खुशबू वाला पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है मसाला। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आप बिरयानी या कोरमा बनाएं तो उसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी देख वाली। तो यहाँ पर प्याज भी ये देखिए ठंडे हो चुके थे, आप चाहे इसको हाथों से क्रश कर लें या फिर मिक्सी जार में डालकर क्रश कर लें। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में डालकर क्रश कर लिए हैं और हमने जो मखाने फ्राई किए थे उनको भी हम मिक्सी जार में डालकर क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें हमने पीस ली हैं, विदाउट पानी के पीसे हैं आप। और 100 ग्राम हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट नारियल पाउडर ऐड कर लें। यहाँ पर क्लिप कहीं मिस हो गई है तो आप कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून यहाँ पर गर्म मसाला ऐड करेंगे। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब 3 से 4 ड्रॉप्स हम इसमें केवरा वाटर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है।
अगर आपको अलजवाहर रेस्टोरेंट का सीक्रेट कोरमा मसाला चाहिए तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने 15 बादाम लिए हैं जिनको हमने 2 घंटे पहले गर्म पानी के साथ भिगो दिया था, इसका छिलका निकाल दिया और इसका इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। मिक्सी जार में आप पानी डालिए, बादाम डालिए, इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके थे चिकन को स्लो फ्लेम पर पकते हुए, तो आप चेक कर लेते हैं। और बीच बीच में भी हमने इसको चेक कर लिया था ताकि ये नीचे जले ना। तो ये देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है, इतने टाइम में अच्छे से गल जाएगा और हमने इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया है। तो बस इसी पॉइंट पर हमें इसमें ऐड करना है जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको बड़े के कोरमे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने जो बादाम का पेस्ट बनाया था वो भी हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब अच्छे से हमें इस टाइम पर इसको भूनना है, इसी पॉइंट पर आपको अच्छे से भूनना है। अगर कोरमे का अच्छा वाला टेस्ट चाहिए तो ये देखिए इस तरह से जब दाना नज़र आने लगे हाई फ्लेम पर कर आप इसको बहुत अच्छे से भूनिएगा, इस तरह से आपको दाना नज़र आने लगेगा तो समझिए आपका कोरमा एकदम परफेक्टली भुनकर तैयार हुआ है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, तभी अच्छा कोरमे में टेस्ट आएगा। तो बस अब इसमें ऐड कर देना है, हमें आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है पानी ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए हमने 1 ग्लास पानी ऐड किया है, मिक्स करेंगे। कोरमे का टेस्ट डिपेंड करता है कि आप इसको कितना भूनते हैं, जितना आप इसको जब भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें हमें फ्रेग्रेंस मसाला ऐड कर देना है जो हमने पीस कर रखा हुआ था, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसे, एकदम देग स्टाइल आएगी, आप ट्राई कीजिएगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 ड्रॉप केवरा वाटर की। अगर आपको दिल्ली से रिलेटेड कोई भी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है। अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके थे, आप देखते हैं, देखिए बस यहाँ पर हमारा परफेक्ट कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्लेम को हमें इस टाइम पर बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं एकदम दानेदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो बस इसी तरीके का हमें चाहिए, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस और दानेदार ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। तो जल्दी से जाइए और ट्राई कीजिए और कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।